जल्दी पकड़ उसे पकड़। अरे यार सो फाइनली दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस डीजे ट्रक में मतलब छोटे डीजे ट्रक में सबके पप्पा की टेस्टिंग। पप्पा जी बोल पप्पा जी। हाँ पप्पा जी की टेस्टिंग। तो फाइनली आज हम करने वाले चार टेस्ट। पहला टेस्ट होगा इसकी स्पीड का टेस्ट कि ये कितना तेज भाग सकता है। दूसरा टेस्ट होगा इसके साउंड का टेस्ट। और तीसरा टेस्ट होगा इसकी रेंज का टेस्ट कि ये कितनी दूर तक इसकी रेंज है, रिमोट के साथ कितनी दूर तक काम कर सकता है। चौथा और फाइनली टेस्ट होगा इसके लोड का टेस्ट मतलब कितना वजन ये उठा सकता है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता कि अभी इस चैनल पर ये क्या चल रहा है, ये बंदा इसके साथ क्या कर रहा है, तो उनको बता दूं कि हमने ये डीजे ट्रक छोटा डीजे ट्रक बनाया है इन चीजों से। और ऐसे ही डीजे ट्रक का चैनल पर अभी गिव अवे चल रहा है, तो गिव अवे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ कहीं आई बटन पर मिल जाएंगे। और एक मेन बात की इस गिव अवे का जो रिजल्ट है वो आज से ठीक 30 दिन बाद मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का लिंक दे दूंगा, तो फॉलो करना मत भूलना अगर आपको ये डीजे ट्रक चाहिए। लेकिन इसकी टेस्टिंग से पहले आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशंस बता दूं यानी खूबियां बता दूं इस डीजे ट्रक की, जो हमने कम से कम 3-4 दिनों में बनाया है। तो कैमरा जरा इधर लाइए। तो दोस्तों ये है एक रिमोट कंट्रोल स्विच, यानी जूम करो भाई। तो दोस्तों ये है एक रिमोट कंट्रोल स्विच जो कि एक सर्वो से काम करता है। जैसे ही ये सर्वो इन बटन्स को दबाता है तो हमारी ये लाइटें, सस्ती लाइटिंग चालू हो जाती है। और सस्ते से याद आया कि इस पूरे डीजे की जो कॉस्ट है वो सारी मिलाकर इस ESC के बराबर है। मतलब जितना ये कॉस्ट नहीं करता उससे ज़्यादा ये कॉस्ट बनता है। एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर एक रिसीवर लगा है जो कि कनेक्टेड है हमारे उस रिमोट से जो कि थोड़ा दूर पड़ा है। और एक और सर्वो है इसमें भैया इधर। तो एक और सर्वो लगाया है हमने इस डीजे में। तो ये एक मेटल गेट सर्वो है जो कि थोड़ा हैवी है। और ये जो सर्वो है ये थोड़ा सस्ता और प्लास्टिक गियर्स वाला है लेकिन इसमें मेटल्स के गियर लगे हैं। और सबसे मेन बात हमने इसमें लगाया है एक जनरेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लगाया है एक छोटा सा जनरेटर। इसके बीरोल शॉट्स दिखाऊं आपको? चलो छोड़ो। तो हो गए हमारे स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट। अब करते हैं इस डीजे ट्रक की टेस्टिंग। टेस्टिंग से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर भी हमने सस्ती वाली मस्ती वाली लाइटिंग की है। और सबसे मेन बात इस ट्रक के टॉप पर लगाया है हमने अपने चैनल का लोगो। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मस्त मस्त कंटेंट आने वाला है भाई। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को कर लो ऑल पर सेट ताकि नई नई वीडियोस को जल्दी से जल्दी देख सको। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं इसकी स्पीड का टेस्ट। तो ये रहा हमारा मैदान, इतना बड़ा हमारा मैदान है, बाहर कहीं जा नहीं सकते हैं लॉकडाउन की वजह से। और बाकी यहीं पर करने वाले हैं टेस्टिंग। इस डीजे ट्रक को स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक अंगुली की जरूरत है। यहाँ पर एक स्विच है। अब हमारा डीजे ट्रक हो गया कनेक्ट और स्टार्ट। लाइटें वाइटें सब चालू हो गई। लेट्स डू द स्पीड टेस्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप हमारा डीजे ट्रक एक ही चक्कर में मतलब कितना मजबूत बनाया गया था जो भी कारीगर था। तो दोस्तों एक राउंड के बाद हमारा डीजे ट्रक जो कि बिखर चुका था इसे हमने वापस संभाला है और जोड़ तोड़ के वापस सेट किया है। तो राउंड टू अब हमारा डीजे ट्रक बिल्कुल सेट है। अब हमारा डीजे ट्रक गति सीमा 40 को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे नंबर 10 पर दौड़ रहा है। ओए रिमोट की बैटरी गई, जल्दी पकड़ उसे पकड़। अरे यार वीडियो बाद में बना। तो दोस्तों सस्ती वाली मस्ती का नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। इस डीजे ट्रक के दोनों शीशे जा चुके हैं, एक बोर्ड जा चुका है और पीछे वाला बीस गया। तो करते हैं इसको रिपेयर और राउंड थ्री करते हैं। राउंड थ्री।
तो दोस्तों आपको बताते हुए खेद है कि हमारा ये डीजे ट्रक स्पीड टेस्ट में फेल हो चुका है, क्योंकि हमने इसको इसकी औकात से बाहर चलाया। तो अब करते हैं इसका साउंड टेस्ट। मजाक कर रहा था, कोई स्पीकर विकर नहीं लगा इसमें। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर। बाकी अभी के लिए इसमें एक गत्ते का बेस लगाया है, बस दिखने के लिए बेस लगाया है, और ये स्पीकर सिर्फ शोपीस है। तो इस टेस्ट में भी हमारा ये डीजे ट्रक दोस्तों फेल होता है। रेंज टेस्ट। तो ये हमें बहुत तकलीफ दे रहा है, इसलिए इसको करते हैं साइड में। अब करते हैं इसका रेंज टेस्ट। अभी काम कर रहा है उधर। तो अपनी हदों को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। Oh no! अभी मैं लगभग 50-60 फीट तो दूर होऊंगा ही उस डीजे ट्रक से। आप देख सकते हो डीजे ट्रक काम कर रहा है। तो दोस्तों हमारा ये डीजे ट्रक रेंज टेस्ट में तो पास हो गया। आपको बता दूं कि इसकी रेंज सिर्फ इतनी नहीं है, इससे डबल, तीन गुना इससे ज्यादा ये रेंज को हैंडल कर सकता है। तो अभी ये थोड़ा रिमोट भी डिस्चार्ज है और बाहर नहीं जा सकते अपन। तो घरेलू जुगाड़ के लिए इतनी सी रेंज का हमने टेस्ट किया है, लेकिन यकीन मानो इससे भी ज्यादा रेंज का ये हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों इससे पहले कि अंधेरा हो, इसका फाइनल टेस्ट कर लेते हैं, लोड टेस्ट। तो ये है लगभग आधा किलो। इसकी सीमा को थोड़ा और बढ़ाते हैं। एक किलो। एक किलो से ज्यादा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमारी, आपको कमेंट करके जरूर बताना। टेस्ट कैसे लगे, सारे टेस्ट में लगभग फेल हुआ, सिर्फ एक रेंज टेस्ट को पास किया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करो लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसको बनाने वाली वीडियो यानी मेकिंग की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, नहीं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करोगे तो अपने आप आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे इस डीजे ट्रक के। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।